इस वीडियो में बताऊंगी पटियाला सलवार कटिंग करना। तो ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर में अच्छा से पटियाला बन पाता है, और अगर आपको कम पटियाला बनाना है तो 2.25 मीटर में 2 मीटर में भी बन जाता है, लेकिन मैं इसमें घना पटियाला बनाऊंगी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना, आप देख सकते हैं जैसे मैं डबल की, और जो हमारा सलवार का लंबाई है वो है फिटिंग में 42 इंच, और 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और इसका कमर जो है वो है 45 इंच पूरा गोलाई में, और उसका फिटिंग आएगा 42 इंच का, और हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मोड़ने के लिए, और मोड़ के हो जाता है उतना फिटिंग में, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और इसका जो मोहरी है वो है 8 इंच, उसमें भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि 9 इंच, और जो इसका आसन है वो है 15 इंच। तो इसी तरह से लेना है, और जितना नाप आपका होगा लंबाई में उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और आसन जो है वो सलवार में अधिकतर 15 इंच होता है, तो 15 इंच, 14 इंच, 14.5 इंच और 15 इंच लिया जाता है आसन में, और मोहरी में भी अधिकतर 8 इंच, 8.5 इंच या 7 इंच इस तरह से लिया जाता है, जैसा आपको पसंद है तो इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं डबल कर ली हूँ कपड़े को। तो सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे, उसके बाद हम मोहरी का पार्ट निकालेंगे, और उसके बाद हम कली निकालेंगे, ठीक है। तो कपड़े को हम बचा के कटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ा सा कपड़ा बर्बाद नहीं होगा, और ये 2.5 मीटर है, और 2.5 मीटर में पूरा घरना और पटियाला बन जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप मैं कपड़े को डबल की हूँ, तो हमें चाहिए जो बेल्ट का जो पूरा गोलाई है वो चाहिए हमें 45 इंच, तो यहाँ हमारा 40 इंच हो रहा है, डबल है ये 20 इंच हो रहा है, आप देख सकते हैं, और पूरा गोलाई में 40 इंच हो रहा है, और यहाँ हम डबल है तो ये 20 इंच हो रहा है, तो थोड़ा हम यहाँ से कपड़ा को ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा बेल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, कपड़ा ज्यादा बर्बाद नहीं होता है और पटियाला अच्छा घना बन जाता है, तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो इसका जो हम बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट का लंबाई हम लेंगे 8 इंच, 8 इंच हम बेल्ट का लंबाई लेंगे, और जो पूरा लंबाई है, पूरा लंबाई जैसे हम लेंगे 42 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा, टोटल 45 इंच लेंगे, तो जिसमें से हम बेल्ट अभी ले रहे हैं 8 इंच, और जो पैर का जो मोहरी का लंबाई है वो लेंगे हम 37 इंच, ठीक है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 45 इंच, तो ये हम 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं बेल्ट का। तो इस टाइप से नाप के देख लेना है, पूरे में कम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद निशान को मिला देना है, ठीक है। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं पहले बेल्ट को। तो मैं कटिंग कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से कपड़ा को ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा 45 इंच हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से क्या होगा, कपड़ा बर्बाद नहीं होगा और एक तरफ से कपड़ा कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस कपड़े को भी मैं डबल कर दी, इस तरह से भी आपको कर लेना है। और ये कपड़े मैं डबल की हूँ पूरा अर्ज में, आप देख सकते हैं पूरे अर्ज में मैं डबल की हूँ। ये हमारा जैसे मोहरी बनेगा पूरा लंबा पार्ट है पूरा पैर का, उसके बाद हम कली कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं डबल की हूँ, जैसे हमारा 8 इंच मोहरी है तो इसे हम 17 इंच में हम डबल किए हैं, 17 इंच है ये हमारा पूरा, अब मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से, आप देख सकते हैं 17 इंच है यहाँ से, और 8 इंच का हमारा मोहरी है, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी लेना, और ये 2 फोल्ड है हमारा, दोनों पैर का मैं एक ही साथ कटिंग कर रही हूँ, इसी तरह से आप ले लीजिएगा। और यहाँ लंबाई आप देख सकते हैं, इसका लंबाई है 37 इंच, और जैसे कि टोटल हमारा 45 इंच था, उसमें से हम 8 इंच बेल्ट कटिंग किए हैं, और यहाँ से हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे इस टाइप से। जैसे मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, पूरा हमारा 45 इंच का था, यहाँ से आप देख सकते हैं 45 इंच का, और 8 इंच हम बेल्ट कटिंग किए हैं, इसी तरह से आपको ले लेना है, जितना आप लंबाई लेंगे उसी तरह से आपको बेल्ट में मैनेज कर देना है। और उसके बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, सीधा कर लेना है, और इसे हम सीधा कटिंग कर देंगे, कोई इसमें झंझट नहीं है कटिंग करने में, सीधा सिंपल हम इसे कटिंग कर देंगे, आप पूरा लंबाई लेकर के और ये जो मोहरी का चौड़ाई है उतना लेकर के और इसे सीधा कटिंग कर देना है, ठीक है। हम उस टाइप से कटिंग नहीं करते जैसे इस तरह से हम डबल कर दिए पूरे कपड़े को और कटिंग करेंगे, तो उस टाइप से ज्यादा कपड़ा कट जाता है और कपड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके कटिंग करने से क्या होता है, कपड़ा भी बच जाता है और पटियाला भी सही से बन जाता है।
अब इस कपड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो इसे हमें कटिंग कर दी, ये हमारा दो पार्ट में हो गया, दोनों पैर का हो गया, ठीक है। अब हम कली कटिंग करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम सीधा भी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं पूरा डबल कर दी, दो फोल्ड में डबल कर दी। और इसी तरह से आपको भी कर लेना है। पहले मैं बेल्ट निकाली, फिर मैं पार्ट निकाली मोहरी वाला पार्ट पूरा, और उसके बाद जो बचा कपड़ा है उसे पूरा डबल कर देना है दो फोल्ड में, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आसन बोले थे कि 15 इंच रखना है, तो 15 इंच में जैसे हमारा बेल्ट में हम 8 इंच कटिंग किए बेल्ट, तो उसमें से हमारा 1.5 इंच नारा में मुड़ जाएगा, नारा घुसाने वाला में बनाएंगे हम। और अब जो 6-6.5 इंच बचेगा तो 1/2 इंच तो दबने में चल जाएगा, और 6 इंच बचेगा उसमें से बेल्ट में से, ठीक है। और उसके बाद हमें 15 इंच रखना है, तो 6 इंच उसमें यहाँ हम लेंगे 9.5 इंच, तो 1/2 इंच यहाँ से जैसे सिलने में दब जाएगा, और 9 इंच यहाँ बच जाएगा, 9 इंच और 6 इंच उसमें, तो 15 इंच हमारा आसन यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से नाप के लेना है, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाए हैं। इस टाइप से निशान लगाना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आप कपड़े को डबल कर दीजिए, उसके बाद एक तरफ से यहाँ से निशान लगाए 9.5 इंच, और 9.5 इंच हम वहां से निशान लगाएंगे एक साइड से, ठीक है। एक हम इस कोने से लगाए और एक हम उस कोने से लगाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक कली हमारा दो पार्ट इधर निकल जाएगा, दो पार्ट हमारा इधर निकल जाएगा, और कपड़ा बिल्कुल कट के खराब नहीं होगा, पूरा कपड़ा उसमें चल जाएगा, थोड़ा सा भी कपड़ा कट के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान से समझिएगा। एक मैं इधर से आसन ली और एक मैं यहाँ से आसन लूंगी इस कोने से, ठीक है। एक इधर कोने से और एक इसका ऑपोजिट वाला कोने से, इधर से। तो यहाँ से भी हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस टाइप से। अब देख सकते हैं यहाँ मैं निशान लगा दी। और उसके बाद करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो आप देख सकते हैं एक निशान में उस कोने से लगाई और 9.5 इंच पे यहाँ से, आप देख सकते हैं, और एक में लगाई यहाँ 9.5 इंच पे इस कोने पे, ठीक है, इस कोने पे। अब हम इस निशान को मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं इस निशान से इस निशान को मिला देना, इस निशान में मिला दी, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिला लेना है, ठीक है। उस निशान से इस निशान को मिला देना है, जैसे मैं मिलाई। तो इधर से हमारा दो कली निकल जाएगा, आप देख सकते हैं इधर से, और इधर से भी दो कली निकल जाएगा। तो मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ, और यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हैं 1/4 इंच का मैं सीधा रखी हूँ, और वहां से भी 1/4 इंच का मैं सीधा रखी हूँ, ठीक है। उसके बाद तिरछा करना है। तो इस टाइप से मैं कटिंग कर ली, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो कली है इसे तोड़ देना है, ठीक है, कटिंग कर देंगे हम। और इसे भी हम दो भाग में कटिंग कर देंगे, जो यहाँ से जॉइंट है इसे पूरा अलग कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं ये 4 कली निकल गया हमारा, अलग अलग कर देना है कलियों को, ठीक है, इस तरह से अलग अलग कर देना है, जैसे मैं की, आप देख सकते हैं। तो ये 4 कली हमारा निकल गया। अब इसे जोड़ना किस टाइप से है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं बीच में रखी हूँ मोहरी वाला पार्ट को, जो हमारा पैर का पूरा लंबाई है। उसके बाद एक कली को हम इस साइड रखें और दूसरा कली को हम इस साइड रखें, ठीक है, और बीचों बीच में इसे रखना है। उसके बाद में जोड़ने के बाद में बेल्ट को रखना है और बेल्ट में प्लेटें बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर लीजिएगा। और इसका जो सिलने वाला पार्ट है वो हम अगला वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे किस टाइप से आपको सिलना है। और इसका प्लेटे आप देख रहे हैं कितना लंबा जो बना हुआ है, ये बहुत ही लंबा बनेगा इसका प्लेटे, मतलब बहुत सुंदर बनेगा। तो मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।